बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चौथी कक्षा के लिए चैप्टर 3 अहिंसा परमो धर्म। ये एक नाटक है जिसको हम लोग को सिर्फ पढ़ के समझना पड़ेगा। तो ये जो नाटक है ये अशोक मने यानी सम्राट अशोक और महारानी पद्मा के बीच की बात है। इसमें देखो अब इस तरह से एक नाटक खेला गया है, देखो किस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको हम लोगों को पढ़ के समझना है। अशोक एक विशाल मैदान में मगध सैनिकों का शिविर लगा हुआ है। सम्राट अशोक चिंतामन इधर उधर टहल रहे हैं, मतलब महाराज अशोक क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज 4 वर्ष से कलिंग युद्ध हो रहा है, दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, परंतु हमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। पता नहीं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। अब यहाँ क्या होता है, अशोक क्या बोल रहे हैं कि आज कितना वर्ष हो गया, 4 वर्ष खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये लोग कलिंग हासिल नहीं कर पाए हैं या कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। बहुत सारे सैनिक यहाँ पे क्या हो गया, लड़ाई जब होती है तो सैनिक तो मरते हैं ना, तो बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। तभी एक जब महाराज सोचते हैं अशोक, तब एक गुप्तचर आता है। महाराज की जय हो अशोक, क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? गुप्तचर महाराज, कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। मतलब उन्होंने गुप्तचर ने क्या कहा कि महाराज आज भी कलिंग का जो द्वार है, कलिंग का बड़ा सा गेट जो जीतने के बाद खुल जाता है, वो आज तक खुला नहीं है, वो अभी भी क्या है, बंद है। अशोक क्या कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है? अशोक ये फिर पूछते हैं गुप्तचर से। गुप्तचर जवाब में दे वो कहता है हाँ महाराज। अशोक क्रोधित होते हुए, अशोक को गुस्सा आ जाता है, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ और जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। वो गुस्सा होकर क्या कहते हैं कि सेनापति से जाके बोल दो कि कल से मैं खुद युद्ध का संचालन करूंगा। प्रातःकाल द्वितीय दृश्य मतलब सेकेंड सीन, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग कोई नाटक पढ़ते हैं फर्स्ट सीन सेकेंड सीन इस तरह बटा होता है। तो फर्स्ट सीन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सेकेंड सीन देखो। प्रातःकाल का समय था, अशोक सेना के सम्मुख अपने घोड़े पर सवार था, सामने कलिंग का दुर्ग है। मेरे बहादुर, तब अशोक कहते हैं मेरे बहादुर सैनिकों, इस युद्ध को होते 4 साल हो गए परंतु हम कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लें कि या तो आज हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे, नहीं तो सदा के लिए मौत की गोद में सो जाएंगे। ये कौन कहता है, ये महाराज अशोक अपने सैनिकों से कह रहे हैं। सभी सैनिक महाराज अशोक की जय। अचानक अशोक की दृष्टि आसपास जाती है, सारी युद्धभूमि खून से लाल हो चुकी है, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र रथ के पहिए इधर उधर फैले हुए हैं। अशोक अपने घोड़े से उतरकर कुछ कदम चलता है, अचानक उसके पांव से कुछ टकराता है। वह चौंक कर नीचे देखता है, किसी सैनिक का टूटा हुआ कवच, उस पर लगा रक्त अभी तक गीला है। अशोक का हृदय द्रवित हो उठता है। सहसा इसी बीच कलिंग के दुर्ग का फाटक खुलते हैं। कलिंग नरेश की कन्या पद्मा स्त्रियों की सेना को संचालन करती हुई दिखाई देती है। अब क्या होता है, सभी सैनिक अशोक महाराज आए हैं तो महाराज की जय जयकार करते हैं। प्लस जब अशोक चलते हैं, अब देखो यहाँ पद्मा क्या कर रही है। पद्मा आगे बढ़कर, सेना बहनों तुम वीर कन्या और वीर पत्नी हो, जिसे सेना ने तुम्हारे पिता पुत्र भाई और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि अपनी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। ये पद्मा किसे कह रही है, पद्मा जिस वीर कन्याओं को लेके आई थी, जिनके पिता पुत्र कलिंग युद्ध में मारे जा चुके थे, उन्हें वो लेकर आई है। अशोक स्वयं, क्या अब मुझे, अशोक खुद से वो मैंने ये बात खुद से बोल रहे हैं वो, क्या मुझे अब स्त्रियों से युद्ध करना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूँगा। और वो पद्मा से पूछते हैं कि तुम कौन हो? पद्मा, मैं कलिंग नरेश की कन्या पद्मा हूँ। मैं हत्यारे अशोक से युद्ध करने आई हूँ। वो कहाँ है, मेरे पिता का हत्यारा अशोक? तब पद्मा अशोक को तो पहचानती ना थी, इसीलिए उसने क्या कहा कि मैं, जब अशोक ने पूछा कि पद्मा से तुम कौन हो, उसने क्या कहा, मैं नरेश कलिंग नरेश की कन्या पद्मा हूँ और मुझे अशोक से युद्ध करना है, बताओ कहाँ है मेरे पिताजी के हत्यारे।
बहुत हो चुका राजकुमारी, अशोक अब क्या कह रहे हैं सुनो। सम्राट अशोक इतने भी नीच नहीं कि स्त्रियों पर शस्त्र उठाए। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सैनिकों अपनी तलवार फेंक दो, आज से सम्राट अशोक तुम्हें कभी भी आक्रमण की आज्ञा नहीं देंगे। अशोक अब वो जब उन्होंने देखा कि पद्मा अपना नारी शक्ति या फिर लेडीज जितने भी थी जिनके पति पुत्र मारे जा चुके थे कलिंग युद्ध में, वो स्त्रियां जो थी वो युद्ध करने आई है, तो उन्होंने अशोक ने अपना इरादा बदल दिया और क्या कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। और सैनिकों को कहा कि तुम सब अपनी तलवारें फेंक दो, मुझे मैं कभी भी अब तुम्हें आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दूंगा। सभी सैनिक अपने तलवार फेंक देते हैं। पद्मा, तो जाइए नरेश, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। और पद्मा ने फिर कहा, क्या कहा, ठीक है, उन्होंने नरेश यानी कहा है राजा, ठीक है महाराज आप चले जाइए, आप हम भी जिसके पास निहत्थे यानी जिसके पास शस्त्र नहीं है उन पे हम भी वार नहीं करेंगे और आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। अशोक पीले वस्त्र धारण किए हुए बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे हैं। भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रण करता हूँ। अशोक, मैं प्रण करता हूँ। अब अशोक कहाँ पहुँच जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के सामने पहुँच जाते हैं। वहाँ पे भिक्षु अशोक से क्या कहते हैं कि मैं प्रण करता हूँ। अशोक वो फिर इसी बात को दोहराता है। फिर भिक्षु कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, भिक्षु फिर सेम बात अशोक कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। फिर अशोक भी वही कहते हैं कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। भिक्षु, मैं सब प्राणियों से प्रेम एवं उनकी रक्षा करूँगा। फिर अशोक भी ये सारे वचन को अपनाते हैं और वो भी बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। ये इस कहानी में बस इतना ही था। ये कहानी मैंने पहले भी बताया, एक नाटक है, इसके शब्दार्थ को और ये पूरा अभ्यास तुम लोग चैप्टर की मदद से करोगे। थैंक यू।